हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम दिव्या। इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट कवर करने वाली हूँ जो आपके मन में क्वेरीज है सारा कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कुछ सटीक जानकारी देने वाली हूँ बेटे और बेटी को लेकर के, कि आपके मन में क्वेरीज है, ये लक्षण होते हैं तो बेटा होता है और ये लक्षण होते हैं तो बेटी होती है। तो सारा पॉइंट इस वीडियो में कवर करूँगी और बताऊँगी कि आपको क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट्स है। तो सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी भी तरह से जेंडर प्रेडिक्शन को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मैं सिर्फ अपने प्यारी बहनों की मन की जिज्ञासा के लिए वीडियोस बनाती हूँ और मुझे भी बहुत खुशी मिलती है क्योंकि कुछ मेरी बहनें हैं जो ऐसी वीडियोज़ देख करके बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम हैप्पी होती हैं और उनको अच्छा भी लगता है। और कोई कोई ऐसा होता है कि जो उल्टे सीधे भी कमेंट कर जाता है कि ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता। देखिए मेरी प्यारे बहनों, ये जो शरीर के अंदर जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो जो शरीर के अंदर काम होता है, वर्क होता है, जो शरीर के अंदर हार्मोन्स चेंजेस होते हैं, वो सभी महिलाओं में एक तरह से नहीं होते हैं। तो सभी महिलाओं में अलग अलग तरह का हार्मोन्स होता है, सब में का लक्षण जो होता है वो अलग अलग तरह से सिस्टम काम करते हैं। तो सभी में सटीक एक ही सटीक लक्षण नहीं पाया जा सकता है, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए कि आपने उल्टा बताया है या आपने सीधा बताया। अगर आपको एक लड़का हुआ है और आपका सिम्टम्स लड़की के जैसे थी तो आप बोलोगे कि नहीं, मेरे में तो ये लक्षण था, ये उल्टा बता रही है। और मुझे अगर लड़का हुआ है और मेरे में उसके अपोजिट कुछ सिम्टम्स थे तो आप आकर के बोलोगे कि आपने फिर से उल्टा बताया। तो ऐसा नहीं होता है, सब में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, सबके अलग अलग लक्षण होते हैं, हार्मोन्स अलग होते हैं। इसके लिए कुछ में सटीक बैठता है, कुछ लोगों में सटीक नहीं बैठता है। तो बातें बहुत ज़्यादा हो गई, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूं। मैं ऐसे सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी जो बॉय में भी पाए गए हैं और गर्ल्स में भी पाए गए हैं। जैसे कि हमारा यूरिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा यूरिन जाना पड़ता है और उस समय में हर आधे घंटे के अंदर हमें यूरिन पास होता है। तो इसे कनेक्ट किया जाता है सीधा बॉय से। अगर आपका यूरिन बार बार आ रहा है और डार्क पीला आ रहा है तो ओल्ड वाइफ्स ऐसी हैं जो आपको सीधा कनेक्ट करेंगी कि हाँ, आपका बॉय लड़का ही होगा। मगर इसका रियलिटी में बता दूं कि ये सिम्टम्स दोनों में देखे गए हैं, बॉयज में भी और गर्ल्स में भी, क्योंकि ये सिम्टम्स हर महिला को होती है, चाहे वो लड़का होने वाला हो और वहीं पे चाहे वो लड़की होने वाली हो। तो ये सिम्टम्स दोनों में मैंने ज़्यादातर देखा है। अगर आपको इसके अलावा भी कोई सिम्टम्स हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ, मुझे बॉय हुआ था तो ये सिम्टम्स था, ठीक है। लेकिन ओल्ड वाइफ्स इसे डार्क यूरिन पास हो रहा है और बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है तो बॉय से कनेक्ट। और ऐसा लक्षण है जो बहुत ज़्यादा सटीक है और इसे विज्ञान तरीके से भी थोड़ा सा इसको बताया जाता है और इसे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी लड़का होने का सटीक लक्षण माना जाता है। कैसे, क्या ये लक्षण है? जैसे आपका वेट आपका बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है, आप यहाँ से यहाँ हो गए हो और आपका पेट भी एकदम लंबा हो रहा है, लंबा होकर जा रहा है अंडाकार के आकार में, और वेट आपका दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे आपकी प्रेगनेंसी जर्नी आगे बढ़ रही है, 8 मंथ 7 मंथ 9 मंथ, वैसे आपका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो इसे भी सीधा कनेक्ट किया जाता है बेबी बॉय से। लेकिन मैं इसका रियलिटी आप लोग को बता दूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड्स खा रहे हो, उस समय बहुत अच्छी डाइट ले रहे हो, जो जो डाइट आपकी डॉक्टर आपको सलाह कर रही है, जो जो मेडिसिन आपको दे रही है, विटामिन्स दे रही है, सारा कुछ, आप कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है उस समय में, वो सारा कुछ आप रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपकी शरीर जो है हेल्दी होगी और आप बहुत ज़्यादा वेट गेन कर सकते हो उस समय। तो इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं है, रियलिटी नहीं है कि बेबी बॉय आपको होगा कि बेबी गर्ल होगा। उस समय आपको बेबी बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे महिलाओं को देखा है जो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं प्रेगनेंसी के टाइम में और उनको एक बेबी गर्ल होता है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा उस समय
हेल्दी फ्रूट्स नहीं ले पाती थी क्योंकि मैं जो भी खाती थी वो मेरा हजम नहीं हो पाता था, मेरा निकल जाता था, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी उस समय में मेरे। तो मैं फिर भी वेट गेन कर ली थी और मुझे एक गर्ल हुआ था, जैसे कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोस में बताया हुआ है। माना जाता है कि जब आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि एक ही कोई चीज़, जैसे कि खट्टा चीज़ बहुत ज़्यादा खाने को मन कर रहा है कि आप खट्टा ही खाते जाओ, नमकीन खाओ, तीखा से तीखा खाओ, तो यहाँ पे सीधा कनेक्ट किया जाता है बेबी बॉय से। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा खाने को मन करता है तो यहाँ पे सीधा कनेक्ट किया जाता है बेबी गर्ल से। तो यहाँ पे भी रियलिटी में आप लोग को बता दूँ, कोई साइंटिफिक रीज़न इसमें भी नहीं है। अगर आपको बेबी गर्ल होगी तो भी आपको खट्टा तीखा मीठा सब खाने को मन कर सकता है, क्योंकि जो हार्मोन्स होते हैं कभी कभी शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस होता है, कभी बहुत ज़्यादा हेल्दी फील होता है, तो उस समय में कि आपको मीठा खाने का मन कर रहा है और खट्टा खाने का मन कर रहा है, तो इसमें भी कोई रियलिटी नहीं है, कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है कि आपको बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा। बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है। तो ये मेरी छोटी सी जानकारी थी जिसको मैंने अपने तरह से रियलिटी बताने की आपको कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो के जरिए कोई भी सच्चाई मालूम पड़ी हो, कुछ भी पता चला हो कि क्या मैंने सच बताया है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी मिलता है इन्फॉर्मेशन तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपके साथ कोई लक्षण है जो आप में बैठते हैं सटीक या कोई अलग लक्षण है तो मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मैं अपने और भी सब्सक्राइबर के पास अपने वीडियोज़ के जरिए वो लक्षण पहुँचा सकूँ। और मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी वीडियोज़ के साथ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि मेरा जो न्यू अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिले। ये बहुत ज़रूरी है काम, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल आपको लिए, आप लोग के लिए फ्री होता है, बहुत खुशी मिलती है अगर आप लोग एक लाइक करते हो और सब्सक्राइब करते हो। तो आशा करती हूँ ये वीडियो पसंद आया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना पूरा ध्यान रखिए। अगर आप प्रेग्नेंट हो तो हेल्दी डाइट लीजिए, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी का मौसम चल रहा है, तो इस समय हाइड्रेशन बॉडी को रखना, पानी पीते रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए अपना पूरा ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक्स।